बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ खान, तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। PSL सीज़न 8 तो लाहौर कलंदर की कांटेदार मुकाबले के बाद फतह के साथ इख्तिताम पजीर हो गया, लेकिन लाहौर कलंदर के खिलाड़ियों पर इनामात की बारिश जो है, इनामात की बरसात जो है वो जारी है। और लाहौर कलंदर के लिए अब लाहौर कलंदर की इंतज़ामिया ने बड़े ऐलान किए हैं, बड़े प्लाट देने का ऐलान किया है। आपको ये तफसीलात बताते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ियों के लिए प्लाट देने की बात की गई है, ये ऐलान किए गए हैं। तो मज़ीद तफसीलात से पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएँ और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। तो PSL की इंतज़ामिया ने ऐलान किए हैं PSL में फातिह टीम लाहौर कलंदर के खिलाड़ियों पर इनामात की बरसात का फैसला किया गया है। लाहौर कलंदर की जो इंतज़ामिया हैं उन्होंने हर रुकन को, यानी इस टीम में शामिल हर खिलाड़ी को एक एक प्लाट देने का ऐलान किया गया है। लाहौर कलंदर, जैसा आपको इलम है कि अपने टाइटल के दफा में कामयाब रही है और इसी वजह से उन पर इनामात की बारिश हो रही है। इस वक्त फाइनल में शानदार परफॉर्मेंस देने वाले डेविड वेसा को iPhone 14 का तोहफा दिया गया है। कप्तान शाहिन शाह अफरीदी को iPhone 14 और कलंदर सिटी में एक प्लाट दिया गया है। अब्दुल्ला शफीक, जिन्होंने इस इवेंट में ज़बरदस्त बैटिंग की, वन डाउन बैट्समैन अब्दुल्ला शफीक, तो उनके लिए भी एक प्लाट का ऐलान किया गया है। इसके अलावा राशिद खान, जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है, लेग स्पिनर, जो इस टूर्नामेंट में, जो इस PSL सीजन 8 में सबसे मुश्किल बॉलर साबित हुए, तो उन्हें भी प्लाट दे दिया गया है। आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले लाहौर कलंदर के फास्ट बॉलर, जिन्होंने आखिरी ओवर में 13 रन बचाए थे, और ये पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी एक अहम मैच में उन्होंने इस तरह की बॉलिंग की थी। हालांकि इनके मुकाबले में 19वां ओवर करने वाले हारिस रऊफ, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, पाकिस्तानी टीम की जानब से खेलते हैं और पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, उनके खिलाफ जो मुल्तान सुल्तान के फास्ट बॉलर हैं अब्बास अफरीदी, तो उन्होंने बनाए थे 22 रन, लेकिन जमान खान वो 13 रन बचाने में कामयाब हुए, जिस पर उन्हें भी प्लाट मिल गया है। फख्र जमान, जिन्होंने इस इवेंट में जबरदस्त बैटिंग की, उन्हें भी एक एक कनाल के प्लाट दे दिए गए हैं। PSL के कामयाब तरीन कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को 2 कनाल का इजाफी प्लाट भी दिया गया है। लाहौर कलंदर के COO और मैनेजर लाहौर समीन राणा ने कहा कि ख्वाहिश है कि शाहीन शाह अफरीदी वहां अपना फार्म हाउस बनाए। बहरहाल अब वो फार्म हाउस बनाते हैं, वहां घर बनाते हैं, जो करते हैं, लेकिन उन पर इनामात की बरसात जो है शुरू है। उन्हें जो प्लाट है वो अलाट कर दिया गया है। अब मजीद उनके लिए कौन सी खुशखबरियां, कौन से इनामात सामने आते हैं, तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में लाहौर कलंदर की इंतजामिया इस हवाले से क्या करती है। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।